तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? उम्मीदवार का चयन करना। ठीक है। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPR TMS शुरू किया? किस प्राधिकरण ने? चुनाव आयोग। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भाई सुकुमार सेन। ठीक है। किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोकतंत्र में। उसके बाद सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? उपचुनाव। ठीक है। भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित करता है? इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? कार्यकाल कितने समय का होता है? 65 वर्ष। 6 साल। 6 साल या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो वही। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? अनुच्छेद बताना है? नहीं, इसका ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। वही संघ लोक सेवा आयोग। और चुनाव आयोग। पी के थुंगन समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार आयोग। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? पुंछी आयोग ना केंद्रीय राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? महिला आयोग। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग दूसरा क्वेश्चन वही होगा आंसर। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? काका कालेकर। ठीक है, काका कालेकर। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952। ठीक है, 1952। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और चुनाव आयोग। नीति आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास आयोग। देश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 280। ठीक है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक डैश वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है? 5वें वर्ष। ठीक है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है? एन के सिंह। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? फजल अली। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 1-10-1926। ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति किया था? 1979। ठीक है। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? जनता दल। ठीक है।
उसके बाद किस आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए? मंडल। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा संविधान निकाय नहीं है? ऑप्शन दे। भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष? 2015। ठीक है। तो थैंक यू।